हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक मोबिलिटी। क्या डिस्कस करेंगे? मोबिलिटी। मोबिलिटी बेटा मोबाइल वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? मोबाइल मीन्स टू मूव। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर मूव करते हैं वहाँ से ये रिलेटेड है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट कैरियर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था वहाँ पे एक रिलेशन निकला था माइनस ई एम अपॉन टाओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है वीडी इज इक्वल टू माइनस ई एम अपॉन टाओ। ये जो मोबिलिटी है इसको हम डिफाइन करेंगे म्यू मोबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो इट स्टेट्स दैट या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी to electric field applied। ये जो फॉर्मूला बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं किसी चार्ज के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? qEm tau। ठीक है, तो यहाँ से मैं मोबिलिटी का फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। म्यू इज इक्वल टू वी डी की वैल्यू पुट कीजिए क्यू ई अपॉन एम टाओ। दिस इज वी डी डिवाइड बाई ई, ई से ई कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्यू टाओ अपॉन एम। सभी जो वेरिएबल बेटा यहाँ पे पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। क्यू क्या है? चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास, होल है तो होल का मास। टाउ क्या है बेटा यहाँ पे? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, और यू से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हम ड्राइव करेंगे एसआई यूनिट्स, दो यूनिट बेटा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, एक फॉर्मूला है वी अपॉन एल, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, लेंथ की यूनिट मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। तो इसको हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। ठीक है, ये एक यूनिट हो गई। अगर मैं फॉर्मूला ई का यूज़ करता हूँ, ई का फॉर्मूला फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज, तो ये अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो यूनिट क्या होगी? सेम मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये बनेगा आपका मीटर पर सेकेंड न्यूटन, मीटर पर सेकेंड कूलम पर न्यूटन। दीज टू आर द यूनिट्स, एसआई यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरे को निकालनी है मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन तो म्यू ई, हाउ मच? ई टाओ ई अपॉन एम ई। ई क्या है बेटा? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड टाओ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं होल के लिए कंसीडर करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज होल के लिए कंसीडर करता हूँ, तो ये वैल्यू क्या आएगी? ई अगेन टाओ एच होल का रिलैक्सेशन टाइम एंड एम एच मास ऑफ द होल, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया एक टॉपिक मोबिलिटी। डेफिनेशन आप बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में। इसका रेशियो होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। ऐसा यूनिट्स निकाल सकते हैं। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। एंड मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। अगर मैं कहता हूँ बेटा सारे के सारे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, होल्स नहीं हैं, तो ये VD का एक फॉर्मूला और यहाँ से हम ड्राइव करेंगे। VD किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इनटू ई।
अब अपने पास VD के दो फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम इसको यूज़ करेंगे। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया मोबिलिटी। अब जो टॉपिक बेटा हम डिस्कस करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या टॉपिक है बेटा? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप समझ सकते हैं I stands for current and VD stands for drift velocity। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा? ठीक है, बिल्कुल ईजी सा एक डेरिवेशन है और आपके बहुत यूज़ होगा आगे आने वाले आर्टिकल्स में भी। तो ये कंडक्टर हमने कंसिडर किया whose length is L and area of cross section is A, whose length is L and area of cross section is L। करंट कैसे निकालते हैं बेटा? वी नो द फॉर्मूला ऑफ करंट, चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, क्यू अपॉन टी। चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। तो पहले तो मैं चार्ज को कैलकुलेट करूंगा, इस कंडक्टर में कितना चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट अस कंसीडर कुछ पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन। ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। वी इज द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। एंड आई क्या है? इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। आई क्या है? इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में मूव करता है, ड्रिफ्ट करता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे टोटल चार्ज कितना है इसमें। वी नो एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर दैट इज एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इतना है, एक यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, दिस इज वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं बात करता हूँ टोटल चार्ज की, टोटल चार्ज दैट इज क्यू इन कंडक्टर, इन कंडक्टर। बच्चों यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, मैग्नीट्यूड कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे E, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कंडक्टर में? दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन E A L N, दिस इज द टोटल चार्ज, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन वन में पुट करेंगे, ठीक है। Q की वैल्यू पुट करनी है बेटा, T की वैल्यू पुट करनी है। लेट अस कंसीडर T इज द टाइम टेकन, T टाइम है एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड में जाने में विद वेलोसिटी VD, और लेंथ क्या है? L। तो वी नो डैट VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी L अपॉन टाइम T। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? L अपॉन VD। अब ये दोनों वैल्यू, टाइम की और चार्ज की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो करंट है I, दैट इज इक्वल टू Q के प्लेस पे E A L N, और टाइम के प्लेस पे L अपॉन VD, L अपॉन VD, तो VD ऊपर चला गया, L ने L को काट दिया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? VD E N A, याद रखने के लिए वर्ड वीना, V E N A वीना। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वीना। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे आप VD के दो फॉर्मूले हैं उनकी वैल्यू भी याद रखिए, पर वो याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि VD का हमने अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, म्यू ई टाओ, म्यू ई इंटू टाओ, म्यू ई इंटू ई, ठीक है, किया था ना बेटा। अभी मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो VD की जगह पे म्यू ई इंटू ई रख देंगे, तो एक फॉर्मूला ये आ जाएगा वी ना, और दूसरा फॉर्मूला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है वो क्या होता है? माइनस ई ई एम टाओ। तो ये फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ई ई अपॉन एम इंटू टाओ
ये वी डी का फॉर्मूला रखा, ई एन ए। तो इस टाइप से आप ये दो फॉर्मूले और ड्राइव कर सकते हैं, देयर आर टू केसेस। पर जो मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन, दैट इज आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। क्या डिस्कस करते हैं, ओम्स लॉ। ये जो ग्राफ है आई वी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये किसका ग्राफ है बेटा, ओम्स लॉ का ग्राफ है। देखिए क्या कहता है ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इफ सम पैरामीटर सम फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा। तो इट स्टेट्स दैट It states that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across it। तो ये जो I है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यू से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू R I, R इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस, where R is known as resistance of material। R की वैल्यू डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, शेप साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, R किसके इक्वल होगा, V अपॉन I, एंड दैट इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। R क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। ये जो इक्वेशन है दिस इज ओम्स लॉ। अब इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं लाइक दिस, दिस इज वी एंड दिस इज आई, एंड ये दो मटेरियल का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ए एंड बी। तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा, किसका स्लोप ज़्यादा है बेटा, किसका थीटा ज़्यादा है, ए का थीटा ज़्यादा है, स्लोप किसका ज़्यादा है, थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स वी, बेस मीन्स आई इस पर्टिकुलर केस में, एंड वी अपॉन आई क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, क्या देगा, रेजिस्टेंस। अब सारी बातों को रिलेट करते हैं, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज गिव रेजिस्टेंस, जो स्लोप होगा वो क्या देगा, रेजिस्टेंस। विच हैज हायर स्लोप, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा दैट हैज हायर रेजिस्टेंस। तो अगर मैं पूछता हूँ ए एंड बी में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ए हैज़ मोर रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस एज कंपैरिजन टू बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर मैं डायग्राम बेटा इस टाइप से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने आई लिया ये वाले डायग्राम, और यहाँ पे वी लिया, और एक और इसमें शो कर देता हूँ, चलो अलग से बना देता हूँ, ये I और ये V, A B उसी टाइप से ले लिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और पूछा जाता है विच वन हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस या लेसर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, आपको क्या देखना है, इसका जो स्लोप है, स्लोप मीन्स टेंजेंट थीटा, वो क्या है, I अपॉन V है, स्लोप इसका क्या है, I अपॉन V है, V अपॉन I रेजिस्टेंस होता है, I अपॉन V क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा, 1 अपॉन R। तो इसका स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस नहीं देगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देगा, ठीक है। तो 1 अपॉन R किसका ज़्यादा है, A का ज़्यादा है, 1 अपॉन R किसका कम है, B का कम है।
तो 1/r अगर b का कम है तो r ज़्यादा होगा, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस b हैज़ ग्रेटर एज कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस a। इस टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज ओम्स लॉ। अब इसमें बेटा मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ देखिए, ये जो फॉर्मूला है v अपॉन i इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट, ये हमारा ओम्स लॉ है। इसको हमें ड्राइव करना है बेटा, ठीक है। वी नो डैट क्या रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, अभी हमने डिस्कस किया वीना, बताया था आपको बेटा कई बार यूज होगा ये फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, आई डी वी डी ई एन ए। तो यहाँ पे वी डी की वैल्यू पुट की, ई ई अपॉन एम टाओ ई एन ए, ठीक है। वी डी की क्या वैल्यू पुट की, ई ई अपॉन एम टाओ, ठीक है। ई की वैल्यू पुट करेंगे वी अपॉन एल। अब ई की वैल्यू पुट की बेटा, आई इज इक्वल टू ई का स्केयर हो गया, कैपिटल ई के प्लेस पे वी अपॉन एल टाओ एन ए अपॉन एम। वी ये प्रूव करना है, दिस इज द ओम्स लॉ। तो वी अपॉन आई, वी आई, तो वी और इधर ले आएंगे इस टर्म को डिवाइड में, आई ये वाली टर्म इधर जाएगी, एम एल एम एल डिवाइड में क्या होगा बेटा, टाओ एन ए ई स्केयर। ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में जो आई है, ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टाओ रिलैक्सेशन टाइम, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। एक गिवन कंडक्टर के लिए उसका एरिया फिक्स है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कहता हूँ ये कंडक्टर है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फिक्स है, इसका एरिया फिक्स है, इसकी लेंथ फिक्स है, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो ये सारे का सारा क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। और इस कॉन्स्टेंट की जगह मैंने क्या रखा है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और ये सारा का सारा क्या है, एक कॉन्स्टेंट। तो दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, आज हमने थ्री टॉपिक डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज मोबिलिटी, मोबाइल मूव करना, ठीक है, उसमें चार्ज कैरियर आपके मूव करते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड नाउ वी डिस्कस ओम्स लॉ एंड इट्स प्रूफ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। Thank you very much. Have a nice day.